नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, इधर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के मिल्कुपुर में, उधर अवधेश साथ अखिलेश यादव ने उपचुनाव की बिसात बिछा दिया है। अब किसको मिलेगा टिकट, इसको लेकर चर्चाएं होने लगी है। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के होने वाले 10 विधानसभा की उपचुनाव सीटों पर क्या हाल है और कौन भारी पड़ेगा। जी हां, बात करें तो संसद का मनसूत्र सत्र समाप्त होते ही समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर शनिवार को चुनावी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश मुख्यालय पहुंचे तो उनसे मिलकर टिकट पाने के लिए कई दावेदारों का तांता लग गया। इस बीच फैदाबाद लोकसभा के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रणभेरी फूंकने पहुंचे तो ठीक उसी समय अखिलेश यादव ने फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद को बुलाकर अपनी बिसात भी बिछा दी। करीब 25 मिनट तक अखिलेश यादव से मंथन के बाद अवधेश प्रसाद सभागार से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता साफ दिखी। समर्थकों से बोले, क्षेत्र में जाओ और तैयारी शुरू कर दो। माना जा रहा है कि उनके बेटे उपचुनाव लड़ने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। तैयारियों ने दिया संकेत, शनिवार की तैयारियों ने संकेत दे दिया है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए भी मिल्कीपुर उपचुनाव का केंद्र होगा। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर, जिसमें करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, फूलपुर, गाजियाबाद, खैर, मीनापुर, कुंद्रकी, मंझवा और सीसामऊ पर उपचुनाव होना है, जिसमें 5 सीटें करहल, मिल्कीपुर, कुंद्रकी, कटेहरी, सीसामऊ पर समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज किया था। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद, कटेहरी से विधायक लालजी वर्मा, कुंद्रकी से जियामु रहानबर्ग और करहल से अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। उनके चुनाव जीतने से यह सीटें खाली हुई है। इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद रिक्त घोषित हुई सीट पर उपचुनाव होना है। अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी किसको टिकट देगी। सपा फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर से देगी। अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को कटहरी से मिलेगी, अंबेडकर नगर से। कटहरी से अगर मैं बात करूं, कटहरी को कटहरी से मिलेगा जो अंबेडकर नगर की लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। करहल से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी या उनकी मां। कुंद्रकी से पूर्व विधायक हाजी रिजवान को अपना उम्मीदवार बना सकती है। हाजी रिजवान समाजवादी से विधायक रह चुके हैं। मीरापुर विधानसभा सीट पर पिछला चुनाव सपा ने राष्ट्रीय लोक दल के साथ लड़ा था, उस चुनाव में विजयी हुए चंदन चौहान अब सांसद बन गए हैं। मुस्लिम और जाट कहुल इस सीट पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद कादिर राणा को मौका दे सकते हैं। सपा की नजर फूलपुर विधानसभा सीट पर भी है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में केवल 2792 वोट से हारी थी। इस बार पार्टी किसी कुर्मी को प्रत्याशी बना सकती है। मिर्जापुर की मंझवा सीट पर सपा बिंद प्रत्याशी को दे सकती है। खैर और गाजियाबाद विधानसभा सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच में मंथन चल रही है। अब देखना ये होगा कि भाई अखिलेश यादव ये सीट कांग्रेस को देते हैं या फिर खुद लड़ते हैं। बाकी ये जो एक्सपेक्टेशंस है कि ये जो हैं वो उनको उतार सकती है। बाकी आप लोग इस पर आगे बढ़ें। धन्यवाद।